हेलो एवरीवन वेलकम टू निकीज़ किचन आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मुर्ग काली मिर्च बहुत ही मस्त क्रीमी और यमी डिश है चलिए शुरू करते हैं सो so, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत बेसिक है कर्ड है ऑयल है गर्म मसाला जिंजर पेस्ट ब्लैक पेपर चाहिए हम लोग को ऑब्वियसली एंड सॉल्ट टू टेस्ट आपके हिसाब से एंड कर्ड वन ऑफ द मेजर इन्ग्रीडियंट्स अब इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को जब आपने गैदर कर लिया है तो ये जो इंग्रीडियंट्स हैं ये लगभग एक किलो चिकन के हिसाब से है सो so, हमने एक किलो चिकन को लेके साफ कर लिया है इसमें हम लोग ने सबसे पहले ऑयल uh, डाला एंड कर्ड डाला एंड उसके बाद जो सारे इंग्रीडियंट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो आपको इसमें मिक्स कर देना है एंड मैरिनेट करने के लिए सबको अच्छे से मिक्स वेल करके छोड़ देना है इससे मिक्स करने से थोड़ा सा जो ये फ्लेवर्स रहते हैं चिकन के अंदर आ जाते हैं तो मजा आता है चिकन का वो रॉनेस चले जाता है और चिकन के अंदर थोड़ा सॉल्टी थोड़ा मसाली फ्लेवर सा आ जाता है सो इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे हमने 20 से 30 काजू ले लिया है जिसको हम लोग ने थोड़ा सा भिगो के रखा था आधा घंटा इस काजू को हम लोग एक पैन में जार में डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे तो एक थिक ग्रेवी बन जाएगी तो इससे क्या होता है कि जो चिकन है हमारा ये वाइट ग्रेवी बेस में इससे अंदर से थोड़ी क्रीमीनेस और थोड़ा नटी फ्लेवर सा आ जाता है और थिकनेस रहती है चिकन की ग्रेवी में इसके अलावा हमारे पास है फाइनली चॉप्ड अनियंस ये जिंजर है जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है दो चम्मच ब्लैक पेपर है और दो थी से तीन हरी मिर्च है जिसको हमने फाइनली चॉप कर दिया है सब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक हैवी बॉटम पैन होना चाहिए सो uh, दैट so हमारा जो चिकन है वो उसमें चिपके नहीं एंड मसाले वेस्ट ना हो जल के सो so, यहाँ पे हमने अपने हिसाब से ऑयल uh, डाला है घी डाला है एंड उसको थोड़ा गर्म करके उसमें मिर्च एंड देन जिंजर को जो फाइनली चॉप किया हुआ था वो सब हमने ऐड किया अब हम लोग इसको थोड़ा सा होने देंगे जैसे हमें लगेगा कि जिंजर एंड मिर्च फ्राई हो चुके हैं इसमें अपन ऑनियन डालेंगे जिसको फाइनली चॉप किया है एंड इसको uh, भूनेंगे थोड़ी देर इसको हमको प्रॉपर गोल्डन नहीं करना है ये हल्का सा जैसे आपको कि ठीक है हल्का सा लाइट ब्राउनिश भी हो रहा है तो इसका काम हो गया इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे ये जो मसाले हैं ये बेसिक मसाले हैं जीरा पाउडर गार्लिक पेस्ट धनिया पाउडर ये सब है ये आप अपने हिसाब से डाल दीजिए एक किलो चिकन के हिसाब से वंस ये हो जाएगा गार्लिक पेस्ट डालिए इसको मिलाइए दो मिनट तक मिक्स करेंगे दो मिनट बाद आपका जो प्याज़ है वो होने लगेगा मसालों के साथ तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे ये चिकन जो है स्टार्टिंग में कंटिन्यूस चलेगा टेन मिनट्स हाई फ्लेम पे सो so दैट जो हमारा चिकन है वो टूटे नहीं और फ्लैश जो है वो बोन्स बोन्स जो है वो फ्लैश को छोड़ ना दे तो उसे चिकन का मजा खराब हो जाता है तो यहाँ पे दस मिनट एकदम कंटिन्यूसली स्टर करना है इसको अच्छे से मिक्स करना है मसालों के साथ अनियंस के साथ एंड बस दस मिनट के बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा आ, तेल छोड़ रहा है चिकन तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मेरा ग्रेवी अलग हो रहा है चिकन से बस वहाँ पे हमारा जो काजू का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है एक बाउल में वो डाल देंगे और उसके साथ साथ एक कटोरा वाटर आप कप से लें बाउल से लें एक बाउल या एक कप पानी जाएगा इसके अंदर अब इसके उ, इसको हम लोग और 10 से 15 मिनट कुक करेंगे डिपेंडिंग ऑन द फ्रेशनेस ऑफ योर चिकन अब ताकि चिकन कुक हो जाए प्रॉपरली और इसको अब हम क्लोज लिड में करेंगे मीडियम फ्लेम पे क्लोज लिड पे ताकि हमारा सारा ग्रेवी वैपरेट ना हो जाए थोड़ा ग्रेवी भी चाहिए होगा तो बस अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चिकन रेडी है आप एक बार अपनी टेंडरनेस चेक कर लें आपको कैसा चिकन पसंद है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी यहाँ पर आप हमने चिकन चेक कर लिया कि येस ये हो गया है अगर आपको कुछ ज़्यादा थिक चाहिए तो आप और पानी सुखा लीजिए नहीं तो ये जो ग्रेवी है ये इनफ है क्योंकि ये सूखने के बाद ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है है अब इसमें हमने ऊपर से ब्लैक पेपर डाला क्रीम डाला और इसको मिक्स वेल well कर दिया इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फाइव मिनट्स के लिए उसके बाद इसमें मिर्ची ये ऑप्शन है ये आप ऐड करें एंड दैट्स इट ये आपका जो मुर्ग काली मिर्च है ये रेडी है ये रेडी टू सर्व है इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइए लच्छा पराठा नान किसी भी टाइप ऑफ ब्रेड के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ये मेरा पर्सनल चॉइस है आप इसको राइस के साथ ट्राई कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर मेरे को तो पसंद नहीं आएगा शायद लेकिन आपको शायद पसंद आ जाए तो बस इसके साथ आप सैलड लीजिए और स्टार्ट हो जाइए खाने के लिए तो ये था निकीस किचन का स्पेशल मुर्ग काली मिर्च आई होप आप लोगों को मज़ा आए और टेस्टी लगे तो बनाइए ज़रूर और हम लोगों को कमेंट्स में लिख के बताइए कैसा लगा एंड अगर आप लोगों का कोई स्पेशल डिमांड है कुछ डिशेस के तो आप डेफिनेटली हम लोग को कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि कभी ना कभी वो फ्यूचर में आपके लिए वो डिश हम ज़रूर प्रजेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो